प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 12th ऑफ मार्च 2024 ट्यूसडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष। डॉलर इंडेक्स अभी है आपका 102.7 में। कल के दिन में एक नैरो रेंज के अंदर में डॉलर इंडेक्स मूव की इन बिटवीन 102.63 एंड 102.93 के बीच में। आज का इंपॉर्टेंट जो डेटा पॉइंट्स, पहले तो है आपका 12:30 का जर्मन इन्फ्लेशन डेटा, देन योर यूके का एम्प्लॉयमेंट चेंज, उसके बाद आपका 6 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे आपका कोर इन्फ्लेशन डेटा यूएस का है, जिसके ऊपर मार्केट मींस वेट एंड वॉच मोड में है। सो शाम को 6 बजे के बाद एक मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन डॉलर इंडेक्स एंड अदर इंपॉर्टेंट करेंसी। तब तक हमें क्या देखना है, ये जो फ्राइडे का डोजी है पिनबार है, इसका जो लो है इज वेरी क्रूशियल। लो के नीचे एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इज अबव द हाई आपका हमारा एक अपवर्ड पुलबैक एक्सपेक्टेड है, जो हमारा एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है 103.50 से 103.70। अगर उस डायरेक्शन में जाते हैं क्या वहां पे जाके रेजिस्टेंस लेते हैं, एक प्रोबेबिलिटी। दूसरा वाला है इसके लो के नीचे एक सेलिंग बायस। सो आफ्टर 6 पीएम क्या होते हैं वो हमें देखना पड़ेगा ऑन डॉलर इंडेक्स एंड अदर करेंसी पेयर्स। अभी आते हैं आपका जीबीपी डॉलर। GBP डॉलर करेंटली ट्रेडिंग एट 1.2821। कल का जो मॉर्निंग एनालिसिस था वहां पे हमने एक पुलबैक के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज का एक बेस्ट केस सिनेरियो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड कल के दिन में एक अच्छा खासा सेलिंग देखा गया फ्रॉम एन इंट्राडे हाई ऑफ योर 1.2862। इट ट्रेडेड लो ऑफ 1.2795 एंड क्लोज्ड एट 1.2813। सो यहाँ पे अभी एक जो सपोर्ट लेवल पे एक बुलिश कैंडल का जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट है। दैट बीइंग द केस, अगर आज के दिन में आफ्टर द इम्पोर्टेंट जीबीपी डेटा व्हिच इज योर एम्प्लॉयमेंट चेंज, एम्प्लॉयमेंट रेट का जो है, उसके बाद अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाते हैं समथिंग लाइक दिस, ग्रीन कलर का एक बुलिश कैंडल बनाते हैं, इन सच ए केस प्राइस जो है वो एक अपवर्ड बायस के लिए तैयार हो जाएगा। एंड आल्सो यूएस सीपीआई डेटा आपका जो 6 पीएम को है, कोर इन्फ्लेशन डेटा जो 6 पीएम को है, उसके बाद भी ये सस्टेन करते हैं, इन सच ए केस एक बुलिश मोमेंटम का इनिशिएशन हो सकता है इन जीबीपी। So, क्या ये होता है हमें देखना पड़ेगा। जीबीपी आईएनआर सिमिलरली एक पुलबैक आया है, पुलबैक के बाद ये क्या आज के दिन में एक बुलिश कैंडल बनाते हैं, जो आपका कल का जो नेगेटिव कैंडल है उसको एनगल्फ कर देगा समथिंग लाइक दिस। इस टाइप का क्या एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल के साथ ये ऊपर की तरफ क्लोज देते हैं एंड देयर बाय मेकिंग एन बुलिश एनगल्फिंग। इन सच ए केस आने वाले दिनों में ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 106.60 से 106.80 इसको तोड़ देते हैं, सो एक अपवर्ड बायस का एक शुरुआत हो सकता है। यूरो डॉलर, यूरो डॉलर में कल के दिन में एक स्मॉल रेंज के अंदर में नेगेटिव बायस बनाया हुआ है टू विद एन इंटरडे हाई ऑफ 1.0948 एंड लो ऑफ 1.0915। सो यहाँ पे पुलबैक के बाद एक बाउंस बैक का एक बहुत बढ़िया एक्सपेक्टेड है। क्या आज के दिन में हमें इस टाइप का एक बुलिश कैंडल मिलते हैं, जो पिछले दो दिन का कौन सा दिन मंडे एंड ट्यूसडे का जो नेगेटिविटी है उसको पूरा का पूरा ओवरकम कर देते हैं। इन सच ए केस आने वाले दिनों में यूरो डॉलर में टारगेट टुवर्ड्स 1.11 की तरफ क्या ये होता है, ये हमें देखना पड़ेगा। यूरो आयनर में भी सिमिलरली क्या यहाँ पे पुलबैक के बाद एक बुलिश एंगल, इस टाइप का एक अगर क्या आज के दिन में
जो यूरो का डेटा है एंड यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है, उसके बाद क्या स्टेप है, कैंडल्स इन कैंडल बनाते हैं जो 2 दिन के एक्टिविटीज को, फ्राइडे 8 मार्च एंड मंडे 11 मार्च का एक्टिविटीज को पूरा का पूरा एनगल्फ कर लेते हैं इन सच केस। बहुत ही बढ़िया एक अपवर्ड मोमेंटम यूरो आईएनआर पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं डॉलर येन। डॉलर येन कल के दिन में एक स्मॉल बॉडी डोजी कैंडल बनाया हुआ है। ये जो डोजी कैंडल है इनसाइड बार टू द फ्राइडे कैंडल, दैट इज 8 मार्च का जो कैंडल है उसके अंदर में एक इनसाइड बार कैंडल बनाया हुआ। सो इसके यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा एक मोमेंटम हो सकते हैं। ये आपका जो कल का लो के नीचे, ये ना ये जो पिन इनसाइड बार है इसके लो के नीचे, मंडे का जो इनसाइड बार है इसके लो के नीचे अगर आवरली बेसिस पे सस्टेन कर जाते हैं इन सच केस, एक डाउनवर्ड बायस यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर ब्रेकिंग इनिशियल सपोर्ट लेवल ऑफ 146.10.20। इट मे मूव टूवर्ड्स 140 और 145 की तरफ जाने का प्रयास कर सकते हैं। अभी आते हैं आपका येन आयनर। येन आयनर में कल एक स्मॉल बॉडी इन्वर्टेड हैमर बनाया हुआ है। सो ऑल्दो इन्वर्टेड हैमर इज ए सेलिंग कैंडल, लेकिन इसके हाई के ऊपर एक मोमेंटम यानी इसका कॉन्ट्रा ट्रेड है। जनरली इन्वर्टेड हैमर एक सेलिंग के लिए इंडिकेट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसका उल्टा देखेंगे। क्या उल्टा? अगर इसके हाई के ऊपर अवर्ली बेसिस पे सस्टेन कर जाते हैं कम से कम 1 घंटे, देन इन सच ए केस येन आईएनआर पे एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर कैंडी करेंटली ट्रेडिंग एट 1.3476। यहाँ पे जो रेंज है 1.3350 एंड 1.3550 उसी के बीच में ये सस्टेन कर रहे हैं। सो इसको कंसोलिडेट होने देते हैं। ऑसी डॉलर। ऑसी डॉलर में कल एक पुल बैक आया था विद एन इंट्राडे हाई ऑफ 0.6627 एंड लो ऑफ 0.6596। यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल बनाया बट प्राइस रिजेक्शन एट द लोअर एंड, दैट बीइंग द केस अगर यहाँ पे आपका एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाते हैं बाय द US मार्केट आवर्स, इन सच ए केस एक अपवर्ड बायस का शुरुआत हो सकते हैं। जो पहले हार्डल होगा इस आपका 8 मार्च फ्राइडे का है, उसको भी अगर तोड़ देते हैं तो एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका ऑसी डॉलर, सीएनए 7.1740 का अच्छा खासा स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रहा है सीएनएच पे, जो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ये है आपका 21 फरवरी का लो विच इज योर 1.7.1705। सो टू बी स्पेसिफिक 7.1700 इज गोइंग टू बी ए क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल। क्या ये आज के दिन में इसके लो के नीचे सस्टेन करते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। ब्रेंट क्रूड कैश चार्ट, ब्रेंट क्रूड कैश चार्ट कल के दिन में एक पुल बैक देखा गया है फ्रॉम एन इंट्राडे लो ऑफ 80.81, it traded high of 82.41 and closed at 82.11. So यहाँ पे consolidation कर रहे हैं। इस consolidation से बाहर निकलने देते हैं। कौन सा consolidation? नीचे की तरफ 80-20, 80-60 and ऊपर की तरफ आपका यहाँ पे ये वाला range 83-50 से 83-70 के बीच। इस range को निकलने देते हैं तभी जाके एक momentum हम expect। इंपॉर्टेंट यूएस 10 ईयर ट्रेजरी, यूएस 10 ईयर ट्रेजरी करेंटली ट्रेडिंग एट 4.10। यहाँ पे देखोगे एक अच्छा खासा सेलिंग के बाद एक डोजी बनाया फ्राइडे को, कल के दिन में एक पॉजिटिव कैंडल के साथ शुरुआत हुआ। लेकिन अभी भी ये कल का जो एक्टिविटी है ये फ्राइडे के स्पिनिंग टॉप के अंदर में इनसाइड बार कैंडल है, दैट बीइंग द केस ये स्पिनिंग टॉप फ्राइडे का जो रेंज है इसका बोथ साइड इज क्रूशियल। ये इसके हाई के ऊपर पुल बैक आ सकता है, लो के नीचे सेलिंग कंटिन्यू हो सकता है। हमें देखना है यूएस इन्फ्लेशन डेटा के बाद क्या ये कौन सा साइड को ब्रेक करते हैं फ्राइडे का हाई एंड लो जो रेंज है। यूएस टू ईयर ट्रेजरी कल के दिन में एक अच्छा सा स्ट्रेंथ देखा गया, स्ट्रेंथ बुलिश कैंडल के साथ देखा गया है, स्ट्रेंथ है। लेकिन ये फ्राइडे के जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है इसके अंदर में इनसाइड बार कैंडल बनाया हुआ है, दैट मीन दैट इज आज के दिन में हमें 6 बजे का जो यूएस इन्फ्लेशन डेटा है उसका उसके बाद क्या ये लोअर रेंज को ब्रेक डाउन करते हैं या हायर रेंज को
हायर रेंज को अपसाइड को ब्रेकआउट करते हैं। इस वजह से रेंज ब्रेकआउट होगा, उसके बाद एक एक डायरेक्शंस मिल सकते हैं ऊपर की तरफ, हल्का सा पुल बैक टूवर्ड्स 4.6061 हो सकता है। नीचे की तरफ अगर लो को तोड़ते हैं तो एक अच्छा खासा डाउनवर्ड प्रेशर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच में टेक फर्स्ट सपोर्ट एट 4.36 देन टूवर्ड्स 4.21। ये हो गया ऑल द करेंसी पेयर्स। अभी फाइनली आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज डॉलर रुपी। डॉलर रुपी करेंटली ट्रेडिंग एट 82.73। यहाँ पे एक हमारे पास एक नया रेंज आया है नीचे की तरफ 82.40, 82.60 एंड ऊपर की तरफ आपका 82.95 से 83.10 का एक रेंज हमें मिला है। इस रेंज के अंदर में अभी इसको अलाउ करते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ मींस अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट हम यहाँ पे देखते हैं, तो अकॉर्डिंगली वी विल कम आउट विद फ्रेश एनालिसिस ऑन डॉलर रुपी परपस। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करते हैं ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। Wishing you all a great day ahead. Bye-bye.